Fysikse. हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल क्लैश ऑफ अमिताभ में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग रेज बारबेरियन के यूज से क्रैशर को नॉकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आप लोग क्रैशर को रेज बारबेरियन से नॉकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं वीडियो आज का जो है। इसमें मैंने अटैक किया था, बारबेरियन पूरा बेस को ही क्लियर कर देगा। फ्रेंड्स, ये सब खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे आप लोग बारबेरियन से क्रैशर को नॉकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार में क्रैशर सब बारबेरियन को खत्म कर दिया। तो आप लोगों का जो प्रोसेस है, कुछ देर बाद बाद बारबेरियन को छोड़िए एक साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तीन को छोड़ा, एक बार में ख़त्म। तो फिर से भी एक बार में ख़त्म। तो यहाँ पर मैंने कुछ को छोड़ा, उसके बाद कुछ। तो ऐसे करने से क्या होता है, इन लोगों को ख़त्म हो जाने के बाद ये सेकेंड बारबेरियन को टाइम मिल जाता है। तो कुछ देर बाद बाद छोड़ना, तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से क्रैशर को ख़त्म कर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों को जो फ्रेंड है उन लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे ही था। नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।